स्वागत है दोस्तों आपका एक बार पुनः जो भारतीय भूगोल की श्रृंखला लेकर चल रहा है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था हिमालय के बारे में, एक जो बेसिक जानकारी थी हमने दिया था आपको, तो जैसे कि एक बार चलिए उसको 2 मिनट में उसको रिकॉल भी कर लेते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिविजन भी हो जाएगा। इसी बहाने हमने बताया था कि जब हिमालय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर फैला हुआ है, क्या दूरी है, कहाँ चौड़ाई ज्यादा है, कहाँ कम है। तो हमने आपको बताया था जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक, पूर्वी पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर लंबाई थी? 2500 किलोमीटर लंबाई थी उसकी। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? चौड़ाई जो है पश्चिमी भाग में ज्यादा है, इधर कम थी। पश्चिमी भाग के लगभग कितनी चौड़ाई थी? 500 किलोमीटर की। पूर्वी भाग में चौड़ाई कितनी थी? इधर आकर सकड़ी होती चली जा रही है। चौड़ाई कितनी थी इधर पूर्वी भाग में? 320 किलोमीटर लगभग, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको तलवार नुमा शेप में दिखेगी। अब कभी प्रश्न बनता है कि आकार कैसा हिमालय का, तो ध्यान दीजिएगा कि ये चौड़ाई इधर ज्यादा है, इधर आगे पतला हो जाएगा, तो ये तलवार नुमा शेप में मतलब बने गए, ठीक है। तो आइए आज हिमालय का दूसरा पार्ट जो हम लेके आए हैं, अमूमन इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, उसका हिमालय समाप्त हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, जो हम लोग का मेन जो मेन फंडा हम लोग का पढ़ने का, बस चीजों को समझना है, रटना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हिमालय की जो विभाजन की, मैंने बताया था दो, पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब हिमालय का उत्थान हुआ तो उसमें दो सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं हमारे देश में। एक तो कोबर का भूसंधि सिद्धांत जिसको माना जाता है, और एक जो हैरी हेस का, एच हेस का, जो मैंने बताया था आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उन्होंने क्या बोला था, इंडियन प्लेट थी ऊपर एशियन प्लेट या यूरेशियाई प्लेट कहेंगे, जब आपस में टकराए तो टकराव से, कोलिजन से वलन पड़ा, उसमें वलन पड़ा तो हिमालय का उत्थान हुआ। और जो भूसंधि सिद्धांत था कोवर का, उसमें क्या हुआ था, इधर जो हमने बताया था अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां बहती थी, तो जो अवसाद लेके आती थी, नीचे से अवसाद लेके ऊपर गई, और उधर से अंगारा लैंड से अवसाद लेकर नदियां नीचे आती थी, तो पूरा अवसाद जमा होते गया कहां पे, जहां टेथिस सागर था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहां टेथिस सागर था, तेथिस सागर में अवसाद जमा होते हुए चला गया। जब अवसाद चला गया तो तेथिस सागर की जो है तली बैठने लगी, जब तली बैठने लगी तो उसमें वलन पड़ा, वलन पड़ने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो हिमालय को हम प्रमुख रूप से चार भागों में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं जब चार भागों की बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं हिमालय की, वो होता है ट्रांस हिमालय। नली दे रहा यहां पे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में पार हिमालय बोलते हैं। पार हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, हिमालय की जब पढ़ते थे चार भागों में इसको विभक्त करते हैं। पहला क्या था? ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं, या दूसरा हो जाएगा। उसके नीचे ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जब भाग आएगा वो आएगा आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम दिए गए हैं, दीर्घ हिमालय, दीर्घ हिमालय, या बृहद हिमालय, दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है। आइए तो तीसरे की बात करते हैं। ये देखिए जो उत्थान हिमालय का हमने विभाजित किया है वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उत्तर में है, उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालय, फिर उसके दक्षिण में बात करेंगे हम। ग्रेटर हिमालय के बाद आता है लेजर हिमालय, लेजर हिमालय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। और चौथे नंबर में जो आता है उसको कहते हैं हम लोग शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी बोलते हैं इसको,
हिंदी में भी शिवालिक ही रह गए। शिवालिक श्रेणी, कभी कभी इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं इंग्लिश में, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, हिमालय से बोलते हैं कि सबसे नीचे वाला भाग, जैसे बाहरी भाग होता है हिमालय का, ठीक है। ये चारों चीजें आप ध्यान रखिएगा। हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है, ट्रांस हिमालय जिसको हम हिंदी में पार हिमालय कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय। पार हिमालय, दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो इन्हीं चारों हिमालयों की श्रेणियों को हमको बात करना है। आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय की, लेजर हिमालय और शिवालिक श्रेणी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। पहले आज ही इन्हीं दो श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय। जब ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, देखिए ट्रांस हिमालय में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हिमालय का उत्थान, ट्रांस हिमालय बहुत पुराना पर्वत है, उसका उत्थान भी इसी तरह हुआ, तिथि सागर के वलन पड़ने से, जो अवसाद आए वलन पड़ने से उत्थान हुआ अवसाद होगा, तो ट्रांस हिमालय भी उसी तरह उत्थान हुआ, लेकिन ट्रांस हिमालय का जो है उत्थान पहले हो चुका था, जो उसका निर्माण था ट्रांस हिमालय का बहुत पहले हुआ था। उसके बहुत वर्षों बाद फिर निर्माण हुआ ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी का। तो हम साथ में तो पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को, लेकिन यह मैंने बोला था आपसे चीज की हिमालय जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ट्रांस हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला नहीं है, उसको नवीन में नहीं काउंट करेंगे। यही अंतर है ट्रांस हिमालय में और बाकी हिमालय की श्रेणी में। मैंने आपको बताया था, चीज ध्यान होगा आपको, मैंने बोला था जब भी हिमालय की बात आएगी, नवीन एवं मोड़दार, नवीन एवं मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, मतलब फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, मतलब वलन पड़ा है, वलन पड़ने से जो हिमालय का निर्माण हुआ पर्वत का, तो इसीलिए उसको हम लोग नवीन और मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय को नहीं बोलते, ट्रांस हिमालय पुराना हिमालय है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक है। और ट्रांस हिमालय में बात करते हैं, जब ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां पाई जाती है, मैं यहां बना रखा है, मैं इसको लिख लेता हूं। अब देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से ट्रांस हिमालय का पोर्शन है, ये ट्रांस हिमालय का पोर्शन है, ये आपका बीच का जो रेड लाइन है, ये आपका ग्रेट हिमालय है, उसके बाद ये देखिए लेजर हिमालय है, फिर शिवालिक श्रेणी ब्लू कलर से, ठीक। तो ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां पाई जाती है। ऊपर आप देख सकते हैं मैंने बनाया है यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाली श्रेणी है इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, सबसे वाली ऊपर जो ग्रीन वाली लाइन है, इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में आता है लद्दाख श्रेणी, मैं एल लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं है, फिर आप देख लीजिएगा, काराकोरम श्रेणी, एल से लद्दाख श्रेणी, और नीचे हो जाएगा ये जास्कर श्रेणी, ठीक है, जेड से जास्कर, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। जब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये दो ब्लू लाइन क्या है, नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है, ऊपर की जो ब्लू लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं सियोक नदी, ये होगी सियोक, सियोक नदी होगी ये ऊपर वाली। उसके दक्षिण में कौन सी है, इधर नीचे जो नदी है ये हो जाएगी आपकी बहुत फेमस नदी है सिंधु नदी, ठीक। अब देखिए यहां से कैसे बना, प्रश्न कैसे बनेगा, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहां एक कैलाश श्रेणी भी आती है इधर, इधर इस साइड में, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये कैलाश श्रेणी इधर आती है, यहां पे कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की जब बात करें, ट्रांस हिमालय मान लीजिए चार प्रमुख चार श्रेणियां हो गई,
कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी को मोमन लोग नहीं पढ़ते हैं, प्रमुख रूप से यही तीनों श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कराकोरम के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? सियोग नदी बहती है। फिर सियोग नदी के दक्षिण में क्या है? लद्दाख श्रेणी है। फिर लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। अब देखिए और देखिए, यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा कराकोरम श्रेणी पे, इसको हम लोग बोलते हैं केटू। नाम सुनेंगे आप लोग केटू या गाडवी नाश्टीन, गाडविन ऑस्टिन। ठीक, कराकोरम श्रेणी पर है जो पर्वत श्रेणी, एक पर्वत स्थित उसका नाम है, पर छोटी उसका नाम है केटू, गाडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर मीटर। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जब भी पूर्व प्रश्न बनेगा यहां से, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडवी नाश्टीन जिसको बोलते हैं। कितना ऊंचाई है इसकी? 8611 मीटर है। कहां स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम कहां स्थित है? काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में चार बताया मैंने आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम पे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गांव जिसको गाडवी नाश्टीन बोलते हैं वो स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो ये आपका इतना मोटा मोटा पोर्शन बनेगा आपका ट्रांस हिमालय से। ठीक है, कभी क्वेश्चन प्रश्न पूछता है सियोग नदी किसके दक्षिण में बहती है या सियोग नदी किसके उत्तर में बहती है, तो सियोग नदी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में बहती है, किसके उत्तर में बहेगी? तो लद्दाख के, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सियोग नदी बहेगी। मलियाज पूछेगा कि लद्दाख श्रेणी किन नदियों के बीच में बसा हुआ है, लद्दाख श्रेणी किन नदियों के बीच में है, तो सियोग और सिंधु नदी के बीच में है। जब नदियों की बात करेंगे तो अच्छे से समझेंगे आप, लेकिन अभी तक जान लीजिए कि लद्दाख श्रेणी बीच में है, नीचे सिंधु नदी, ऊपर सियोग नदी है। ठीक है, इतना मोटा मोटा आ गया ट्रांस हिमालय से, मतलब काराकोरम श्रेणी से। अब आइए नीचे लद्दाख श्रेणी पे, जब लद्दाख श्रेणी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो लद्दाख श्रेणी पे एक पर्वत चोटी है, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया आपको दिख रहा है, लद्दाख श्रेणी पे पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत चोटी, राकापोसी। लद्दाख श्रेणी पे पर्वत चोटी का नाम है राकापोसी पर्वत चोटी। राकापोसी पर्वत चोटी की खासियत यह है कि यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली, मतलब इसका ढलान बहुत तीव्र है। तो विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोसी पर्वत चोटी है। कहां स्थित है, किस श्रेणी पे? लद्दाख पर्वत श्रेणी पे स्थित है। इतना पोर्शन बनेगा यहां से। जास्कर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है नहीं, कैलाश श्रेणी आप देख ही लिए हैं, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन बस यही से बनता है, लद्दाख श्रेणी पे राकापोसी याद रखिएगा और काराकोरम पे केटू गाडवी नाश्टीन 8611 मीटर याद रखिएगा। ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। अब बात करते हैं ये नीचे बृहद हिमालय पे, जब हिमालय को पढ़ते हैं प्रमुख रूप से हिमालय हम ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के रूप में ही इसको पढ़ते हैं। अब जब हिमालय पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय से इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हिमालय के लिए हम यही मानते हैं यहां से लेकर यहां तक, पूरी पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने एक पर्वत चोटी बना रखा है जहां से हिमालय का स्टार्टिंग हुआ है, वो भारत में भाग है इसका, एक यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक है, यानी कहने का मतलब भारत में हिमालय का शुरुआत हुआ है, यहां से जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत से लेके यहां तक ये तिब्बत का भाग आता है, इसको बोलते हैं नामचा बरवा। मैं यहां लिख दे रहा हूं नामचा बरवा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके तिब्बत के यहाँ के नामचा बरवा तक स्थित है ये हिमालय हमारा टोटल, जो मैंने बताया था पूर्वी पाकिस्तान से लेके, भाई यहाँ हिमालय को था इधर भी तो है, ऐसा थोड़ी ना कि भारत नहीं रहेगा, लेकिन भारत में बात करेंगे तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक यहाँ तक। ठीक, लेकिन इधर एक श्रेणी बताया था ये अफगानिस्तान वाली श्रेणी है और इधर पाकिस्तान वाली। मैंने क्या बोला था जो हिमालय की श्रेणी है उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पहले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हो तो, पाकिस्तान में उसे कहते हैं हम लोग
सुलेमान पर्वत, और अफगानिस्तान के पोर्शन को क्या बोलते हैं, हिंदू कुश। हिमालय को अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहीं से पढ़ना है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा पर्वत तक जाता है। अब आइए देखते हैं इधर, अभी हम लोग बात करें ग्रेटर हिमालय की। बृहद हिमालय की बात करेंगे तो विश्व की लगभग 10 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पे ही पाई जाती है, यानी ग्रेटर हिमालय पे ही पाई जाती है। मैंने कुछ चोटियां बना रखी है, मैं नाम बता देता हूं उसको आपको, आपको दिख रहा होगा। पहला ये सब देखिए भारत में, इधर नेपाल पड़ जाएगा। अब अच्छा एक चीज और, हिमालय का औसती है कहां का, जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, फिर इधर नेपाल आ जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इधर तक पड़ते चले जाएंगे हम लोग, म्यांमार में। यहां देखिए अब जो पहली बड़ी चोटी यहां हमने बना रखा है उसका नाम है, इसको बोलते हैं लोग बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक, बंदरपूंछ। उसके बाद क्या पड़ता है, नंदा देवी। बंदरपूंछ के बाद पड़ता है नंदा देवी, नंदा देवी के बाद क्या पड़ता है इधर नेपाल में, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक, बंदरपूंछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। उसके बाद देखिए ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, जो मैंने इसके बगल में बना रखा है इसके पूर्व में, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, अंदर कुछ हो गया नंदा देवी, अन्नपूर्णा, अंदर अन्नपूर्णा के बाद आपका धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक, मंदरपूस, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी प्रवेश करी। अब आते हैं इधर, अभी बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए क्या होगा, मशालू, उसके बाद नेपाल में सबसे ऊंची बड़ी चोटी विश्व की है, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, उसके बाद सिक्किम में स्थित है, क्या नाम है इसका, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक, ये हो गया आपका पूरा। आइए समझते हैं इसको, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय नंगा पर्वत से लेके यहां पे तिब्बत के नामचा बरवा तक स्थित है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक स्थित है। इसमें विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां यहीं पे स्थित है बृहद हिमालय पे। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, बंदरपूंछ, नंदा देवी, दोनों कहां है, भारत में है, उसके बाद अन्नपूर्णा और धौलागिरी नेपाल में है, मसालू भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, ठीक। ये पड़ता सिक्किम, सिक्किम का भाग है पूरा, सिक्किम में पड़ता कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर, ठीक, 8,598 मीटर। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसा बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, यहां से समझ लेंगे वो कॉन्सेप्ट, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां से कंफ्यूजन बहुत होता है। भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, प्रश्न समझिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भाई भारत में स्थित हिमालय, भारत में स्थित हिमालय कहां पे है, ये पूरा भाग हिमालय का, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हुई भाई, ये हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कैसे होगा, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। मेरा प्रश्न क्या था कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी, क्योंकि भाई कंचनजंगा सिक्किम में है, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी, प्रश्न बनेगा, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। अब आएगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है,
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा कंचनजंगा का भी मत लिखिएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटूगाडवी नाश्टीन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, गाडवी नाश्टीन इसको बोलते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिक्किम में 8598 कंचनजंगा, ठीक है कंचनजंगा आएगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। ये तीनों को याद रखिएगा, या तो मैं लिख दे रहा हूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक पहला हो जाएगा प्रश्न से बनेगा। भारत में स्थित हिमालय की, भारत में स्थित हिमालय की ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटी, हाँ ये हो गया। दूसरा क्या, तीसरा क्या बनेगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी पर उसी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और आ जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे चोटी, हिमालय की या विश्व की, विश्व सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंची पर्वत चोटी देखिए, ये तीनों प्रश्न बनेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की ऊंची चोटी, हिमालय की या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक। भारत में स्थित हिमालय की ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा 8611 केटू, कंचनजंगा 8598 मीटर, हिमालय की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो सिंपल है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा तीनों में। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे पर्वत चोटियों के बारे में, भी एक बार समझ लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए अब आगे बात करते हैं। नामचा पर्वत मैंने बोला था यहाँ पे तिब्बत से लेके है। इसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको जब आइलैंड में पढ़ा रहा था द्वीपीय समूह, मैंने बताया था आपको कि यहां से दक्षिण तरफ घूम जाता है, म्यांमार की तरफ होते हुए सीमा बनाते हुए चला जाता है बंगाल खाड़ी में, हमारा डूब जाता है, और जो उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार कहलाता है। उतना आप समझ गए होंगे। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय यही दोनों पढ़ना था हमें आज, बाकी जो बचा है इसके बाद लेजर हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए रिविजन करते रहिए इसको और एक एक कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि तिब्बत भाषा में जब देखते हैं इसको हम लोग, तिब्बत भाषा में माउंट एवरेस्ट क्या कहते हैं? तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा, ठीक। तिब्बत भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगमा कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं बता दिया आपको, समझ जाइएगा कैसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा इसको रिलीज करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ये देखिए यहां जो ट्रांस हिमालय पहले मैंने बात किया था, ट्रांस हिमालय में चीज छूटा था तो उसको बता दे रहा हूं मैं। ट्रांस हिमालय में प्रमुख बहुत ऐसे ग्लेशियर तो बहुत सारे पाए जाते हैं। ग्लेशियर होता क्या है? हिमनद होते हैं। हिमनद मतलब जैसे यहाँ पे बहुत ट्रांस हिमालय पे कोई वनस्पति नहीं पाती, इतना बर्फ पड़ता है, सारा पूरा बर्फ जमा होता है, तो अलग अलग श्रेणियों में बर्फ जमे होते हैं, तो उसको हम लोग हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। वही जब पिघलता है गर्मियों के मौसम में, पिघल के जब नदियां जो बहती हैं, जो नदियों में जल मिलता है वो हिमनद से ही ग्लेशियर से मिलता है। ग्लेशियर अगर न रहे, हिमनद अगर न रहे, तो फिर नदियों में पानी संभव है ना, ठीक है। और बहुत सारी नदियां जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्थान होता है, जो प्रमुख नदियां हैं, वो सब उत्थान ग्लेशियरों से ही होता है, ठीक है। तो ये जानिए कि ट्रांस हिमालय में प्रमुख पांच ग्लेशियर यहां पे हैं,
ग्लेशियर या हिमनद बोलते हैं। हिमनद ठीक। प्रमुख पांच ग्लेशियर कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान दीजिएगा। ससाइमी ग्लेशियर, दूसरा सियाचिन, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग सियाचिन। तीसरा है हिस्पर। चौथा है बियाफो या बायफो भी बोलते हैं इसको, बियाफो। चौथा है बाल्टोरा। ससाइमी सियाचिन हिस्पर बियाफो या बाल्टोरा बोलते हैं, बाल्टोरो बोल दीजिए। ससाइमी सियाचिन हिस्पर बियाफो बाल्टोरो, ये पांच प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि आपके काराकोरम श्रेणी पाए जाते हैं, मतलब ट्रांस हिमालय श्रेणी पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय पे कहा, काराकोरम श्रेणी पे। कौन कौन से? ससाइमी सियाचिन हिस्पर बियाफो बाल्टोरो कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में। अब इसमें से क्या सोचेंगे, इसमें प्रश्न क्या बनता है? इससे से प्रश्न यह बनेगा कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। जब सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करेंगे तो ससाइमी है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? ससाइमी है। यह लगभग कुल 72 किलोमीटर फैला हुआ है, इसकी जो लंबाई है इस ग्लेशियर की 72 किलोमीटर लंबाई ससाइमी ग्लेशियर की। ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर बहुत सारे, 2 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे ग्लेशियर है, लेकिन 72 किलोमीटर में फैला हुआ ससाइमी। तीसरे से प्रश्न यही बनेगा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी है। पांच प्रमुख ग्लेशियर ससाइमी सियाचिन हिस्पर बियाफो बाल्टोरो कहां पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी पे। काराकोरम श्रेणी कहां? ट्रांस हिमालय पे। तो ये प्रमुख जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। इसके बाद हम लोग जो लेसर हिमालय है और जो शिवालिक श्रेणी है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं 2 मिनट को आपको रिकॉल करवा देता हूँ, एक बार आप लोग को यह अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले हमने बात किया ट्रांस हिमालय की, उसके बाद हमने बात किया बृहद हिमालय की, उसके नीचे यानी लेजर हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ये मतलब अलग अलग समय काल के दौरान इनकी उनका उत्थान हुआ है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को नवीन हिमालय नहीं बोलते हैं, बहुत पुराना है, बहुत पहले हुआ है, मतलब बृहद हिमालय से बहुत पहले हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नवीन श्रेणी नहीं रखते हैं। जब नवीन और मोटा पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय और नीचे शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय पे प्रमुख से 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम पे 5 प्रमुख ग्लेशियर ससाइमी सियाचिन हिस्पर बियाफो बाल्टोरो। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी है, लगभग 72 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अब आते काराकोरम पे ही जो स्थित है केटू गाडवी नास्टीन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडवी नास्टीन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं काराकोरम के दक्षिण में एक सियोक नदी बहती है, सियोक नदी के दक्षिण में आएंगे तो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी पे विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी, इसका नाम है राकापोसी पर्वत चोटी, ठीक। उसके दक्षिण में आएंगे तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दक्षिण में आएंगे जास्कर श्रेणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां नहीं बनता कैलाश श्रेणी से भी कुछ नहीं बनता। अब आएंगे यहाँ पे हम लोग बृहद हिमालय पे। बृहद हिमालय की जब बात की है, ग्रेट हिमालय की जब हम लोग बात की है, नंगा पर्वत से लेकर यहां तक स्थित है नामचा पर्वत तक तिब्बत के, ग्रेट हिमालय पे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? ये देखिए बंदरपूछ है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी। इधर कौन सा है? मशालू है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू, कंचनजंगा। मैंने आपको बताया था कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। इतने सारे फैक्ट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरे वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा या हिमालय का तीसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे लेजर हिमालय और शिवालिक श्रेणी की। इसके बाद उन्हीं दोनों के बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद हिमालय पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर एक छोटे से वीडियो 10 मिनट की वीडियो में हम बता देंगे कि इसको जैसे जो भूवैज्ञानिक थे सिडनी बुराड जिसका नाम है, उन्होंने कैसे हिमालय को नदियों का घर बांटा है उसको थोड़ा देख लेंगे, फिर उसका हिमालय समाप्त हो जाएगा। हिमालय से कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बस इसको एक बार रिकॉल करिएगा, रिविजन करते रहिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमको कमेंट बॉक्स कमेंट में लिख के बताइए, उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।